तो ये तुसी इनू किद्दां लओगे अगर इस वचन पढ़ोगे, मतलब मैं परमेश्वर दे ज्ञान दे नाल 2020 च इन्ना भर जावांगी, इन्ना भर जावांगा जिद्दां जल दे नाल समुंदर भरिया हुंदा। हालेलुया, ये भविष्यवाणी है 2020 दे लई तुहाडे लई कि 2020 विच इस तरह दे तुसी ज्ञान दे नाल, परमेश्वर कहिंदा उस समय मैं इदां दा ज्ञान, अंत दे दिन चल रहे तुहानूं पता, भूकंप आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, अग्गां लग रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, देश देश से कौम कौम से चढ़ाई कर रहे हैं, एक देश दूजे देश से चढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंत का दिन है। लेकिन अंत के दिनों में थां थां अकाल पैणगे, देख लो बहुत सारे एरिया दे विच अकाल पै गए, खाण नूं कुछ नहीं है, पीण नूं नहीं है, आर्थिक तौर पर मंदी चल रही है, उन्होंने अकाल पै गया कह सकते। तो की आ अंत दिन विच कहिंदा आकाश दे विच बहुत सारे चिन्ह दिखाई देणगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु दे नाम के कारण लोगों को सताया जा रहा है बहुत इलाकों दे विच, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तोड़ी तक सहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर कहिंदा ये अगर अंत दे जिन्हां दे विच चिन्ह आ, पर अज प्रभु की कह रहा है इन्हां अंत दे दिनां दे विच, ये आल लैवल दे भविष्यवाणी आ, कल्ली चर्च दे लई नहीं, इन अंत के दिनों के परमेश्वर कहता, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुंदर में भरा रहता है। पृथ्वी के लोग इन्ने इन दिनों ज्ञान के नाल भरणगे परमेश्वर के, जिदा जल के नाल समुंदर भरया रहता है और तुसी उहदे विच एक हिस्सा हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन।